वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल रबियाज़ डायरी। तो जी, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी लूप्स वाला नेक डिज़ाइन बनाना, जो बहुत ही ईजी और ख़ूबसूरत है। तो चलिए जी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप नेक की कटिंग करेंगे। बोट नेक बनाना है तो मैं इसकी चौड़ाई 10 इंच रखूँगी और इसको 4.5 इंचज़ मैं डीप रखूँगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने बोट नेक बनाना था, मैंने अपने हिसाब से मेजरमेंट ले लिया है। अगर आप लोगों ने सिंपल गोल गला बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं, आप लोग जिस मर्जी शेप में बना लें इसको। फटाफट से मैं मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लूँगी। ये बोट नेक परफेक्ट शेप में आता है। आप लोग अगर बोट नेक बनाना चाहते हैं तो आप ये मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आप थोड़े से स्किनी हैं, मतलब थोड़े पतले हैं, तो आप इसको इसकी चौड़ाई को कम कर सकते हैं। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो ये परफेक्ट शेप है आपके लिए। इसको कटिंग करने के बाद अब हम इसको एक कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, फिर ही आप लोगों को ठीक तरह से समझ आएगी। इस तरह से गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से एक क्रीज बना लेंगे और अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे लूप्स के साथ। ये डोरी बनाना मैंने आप लोगों को सिखाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जी चलिए, आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पेपर पट्टी के साथ साथ एक बड़े टांके के साथ सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम लूप्स लगाएं तो हमें निशानी रहे कि हमने किस तरफ लगाने हैं और किस जगह लगाने हैं। तो इस तरह परफेक्ट लगते हैं, कोई ख़राबी नहीं होती। तो जी ये सिलाई लग चुकी है हमारी। इसके बाद हम काटेंगे लूप्स। हमने दो साइज़ की डोरी काटनी है, एक 2 इंच की, एक 2.5 इंच की, क्योंकि हमने लूप्स के फ्लावर्स बनाने हैं। तो इस वजह से एक दो छोटी और एक बड़ी, इस तरह से हम सारी कटिंग कर लेंगे। तो जी हमने इधर सारी डोरी कटिंग कर ली है। इस तरह से हम फूल बनाएंगे, इसको इस तरह से लूप्स को पकड़ेंगे और इस तरह से एक प्यारा सा फूल बन जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट पकड़ के नहीं लगा सकते तो ये आप लोगों के बिल्कुल इजी मेथड बताती हूँ। आप लोगों ने सुई धागे के साथ इसको पकड़ के इस तरह से टांके लगा के जोड़ लेना है और फूल बना लेना, और फिर आपसे ईजीली लग जाएगा। ख़ास तौर पर ये बिगनर्स के लिए है। मैंने अपने नेक के लिए 9 फ्लावर्स बनाए हैं। आप लोग अपने नेक के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा बना लें, कम लगाने हैं तो कम लगा लें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो जी ये देखिए, इस तरह से मैं सारे फ्लावर्स बना लूँगी। ये डायरेक्ट सिलाई के साथ भी लगाए जा सकते हैं, पर ये मैंने बिगनर्स के लिए बताया है। ये बिल्कुल ईजी मेथड है, पहले आप फ्लावर्स तैयार कर लें और फिर लगाएं। इस तरह से मेरे सारे तैयार हो चुके हैं। देखिए मैंने एक सेंटर में रखा है, 4 उस तरफ और 4 इस तरफ, मेरे 9 फ्लावर्स हैं टोटल। आपने पहले इसी तरह इनको सेट कर लेना है और फिर उधर मार्किंग कर लें, ताकि आप लोग को लगाने में आसानी हो जाए, आप लोगों का फासला बिल्कुल बराबर आए इस तरह से।
हमने ये जो गले का कपड़ा था अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया जैसे हम सिंपल गला बनाने के लिए करते हैं। तो देखें, जो सबसे पहले हमने बड़े टांके के साथ सिलाई लगाई थी, अब उसके ऊपर रख के हम लगाएंगे तो हमारे बिल्कुल नीट और बराबर लगेंगे। आप लोगों ने उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से आप लोगों ने फ्लावर्स का रुख बाहर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ नहीं रखेंगे। इस तरह फ्लावर्स का रुख बाहर की तरफ रखेंगे। तो जी, ये लूप्स को गुम करके लगाने का मेथड है, इसलिए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि लूप्स का जो रुख है वो बाहर की तरफ आए। तो जी, इस तरह से हम सारे फ्लावर्स अटैच कर लेंगे। वीडियो के स्टार्ट पे जो हमने नेक पे बड़े टांके के साथ सिलाई लगाई थी, हमने उसी के ऊपर इन फ्लावर्स को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाएंगे। हम फ्लावर्स को गले के साथ अटैच करेंगे, तो स्टार्टिंग में आपने आधा इंच या आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़ना है जो कि हम तीरे की सिलाई में कवर करेंगे। इसी तरह एंड पे भी हम आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने ऊपर की तरफ ये थोड़ा मार्जिन छोड़ा ताकि जब हम तीरे की सिलाई लगाएँ तो हमारे ये लूप्स के फ्लावर्स सिलाई के अंदर ना आएँ। तो जी, देखिए, सारे फ्लावर्स अटैच हो चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा लूप्स हैं, आप लोगों ने काट देने, सिलाई के बिल्कुल साथ नहीं काटने, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आप लोगों ने ये सारा रफ काट देना है। अब हम गले को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो जी, हमने शर्ट की सीधी साइड रखनी है और जो सेंटर की क्रीज़ है और गले की क्रीज़ को इस तरह बिल्कुल इक्वल रखेंगे। आप लोगों ने गले को साइड से बिल्कुल शर्ट के साथ बराबर रखना है, सेंटर में आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि बराबर क्यों नहीं है। तो जी, आप लोगों ने साइड का ख्याल रखना है। इसी तरह बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा के इसको शर्ट के साथ पेस्ट कर लेंगे। अब बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है और गले को शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर से कटिंग कर देंगे। आप लोगों ने सिलाई के साथ बिल्कुल कटिंग नहीं करना, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है और फिर कटिंग करना है इस तरह से, और फिर छोटे छोटे कट लगा लें ताकि अंदर की तरफ अच्छी तरह फोल्ड हो जाए। हम उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारे लूप्स बाहर सामने नज़र आएंगे और ये गुम गला बन जाएगा हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जब आप लोग इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें तो अच्छी तरह से इसको प्रेस करके सेट कर लें। आयरन के साथ अच्छी तरह प्रेस कर लेने के बाद अब हम इसको बड़े टांके के साथ इधर सिलाई लगाएंगे। मैं इधर तरपाई करूंगी इसलिए मैंने इधर बड़े टांके के साथ सिलाई लगाई है। अगर आप लोगों तरपाई नहीं करना चाहते तो आप लोग छोटे टांके के साथ ही इसको सिलाई लगा सकते हैं। गले पे तुरपाई ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए आप लोग नेक पे हमेशा तुरपाई ही किया करें। तो जी, अब हमने इसके एजिस पे सिलाई लगानी है, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे एक नीट सी सिलाई लगा देंगे ताकि गला उठा उठा ना लगे, इसके साथ ज़्यादा नीटनेस आती है। आप लोग वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। जब आप स्किप करते हैं तो एक पॉइंट भी मिस हो जाए तो हमें सही तरह से समझ नहीं आती। तो जी, हमारा गला रेडी हो चुका है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो आप लोग को पसंद आई हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।